भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुप कर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बता है। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधि वन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधि वन में छुप कर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल ही गए थे। वो कृष्ण के अन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधि वन के अंदर ही है रंगमहल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्णा आते हैं। रंगमहल में राधा और कृष्णा के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दतुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंगमहल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पानायावा मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधि वन के पेड़ भी बड़े अजीब है, जहां हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वही निधि वन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। हालात ये है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोक गया है। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े के वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिया है। निधि वन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कंग है या हर समय वंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी वंशी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। निधि वन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देख कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम कभी से विशाखा कुंड पड़ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी आइकन पर क्लिक करें रोज नया वीडियो के लिए।